हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। और मैं आज आपके साथ कोई मेकअप लुक शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिप एंड ट्रिक्स कि प्रो आई मेकअप ब्लेंड कैसे करें। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि करेक्टली आई शेडो कैसे अप्लाई करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइड मैं करूँगी कि करेक्टली कैसे अप्लाई करते हैं और इस साइड हमें कैसे नहीं करना चाहिए। तो आई शेडो अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले प्राइमर अप्लाई करना चाहिए। बहुत लोग ये स्किप कर देते हैं प्राइमर लगाना। तो अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो हम कंसीलर को भी एज ए बेस यूज कर सकते हैं, ये भी वही वर्क करता है। अगर आप प्राइमर अप्लाई करते हैं, एक तो सबसे पहले कि अगर आपकी आईलिड थोड़ी डार्क है तो वो उसे कैंसिल आउट कर देता है। सेकेंडली, आपके आई शेडो ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं। एंड थर्डली, आपके आई शेडो ज़्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुतों के आई शेडो डल लगते हैं क्योंकि वो आई प्राइमर नहीं यूज करते हैं। तो मैं आपको कंसीलर अप्लाई करके ही दिखाऊंगी और इस वाले आईज पे मैं कंसीलर नहीं अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पे एले गर्ल का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर आप कोई भी ले सकते हैं। एंड डिफरेंस आप देख सकते हो दोनों आईज में, विदाउट कंसीलर एंड विद कंसीलर। देन इसके बाद मैं इसे पाउडर से सेट कर लूंगी। मैं इसे पाउडर से सेट कर रही हूँ। एंड गाइस, अगर आप इसे पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो जब आप आई शेडो लगाएंगे तो आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया है तो वो ब्लेंड नहीं होगा और एक ही जगह पे स्टिक हो जाएगा। हमेशा लूज पाउडर से या प्रेस पाउडर से या लाइट कलर के आई शेडो से हमें कंसीलर को सेट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई टू ट्रांजिशन कलर। बहुत सारे लोग या तो ट्रांजिशन शेड अप्लाई नहीं करते हैं और अप्लाई करते हैं तो बहुत डार्क शेड ले लेते हैं, तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर अप्लाई ना करें एज ए ट्रांजिशन शेड के लिए। ट्रांजिशन शेड के लिए हमें अपनी स्किन से एक शेड डार्क ट्रांजिशन कलर लेना होता है, जिससे हमें ट्रांजिशन के लिए ब्लेंड करना होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि कैसे हमें ट्रांजिशन शेड यूज करना है और कैसे नहीं करना। तो आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवलेशन की ये आई शेडो पैलेट। तो इसमें से हमें ट्रांजिशन शेड लेना है, जो मेरी स्किन से थोड़ा सा एक शेड डार्क है। तो ट्रांजिशन शेड लगाते कहाँ है, वो अपने क्रीज एरिया से थोड़ा सा ऊपर अप्लाई करते हैं। एंड ऑलवेज टैप द एक्सेस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आई शेडो को, आई शेडो ब्लेंडिंग कोई भी ब्रश हो, हम कैसे पकड़ते हैं दिस, बट हमें ऐसे नहीं पकड़ना है, हमें ऐसे पकड़ना है। और मैं यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए लाइट शेड ले रही हूँ और ऐसे अप्लाई करना है, ना बहुत ज्यादा ऐसे जाना है ना ऐसे जाना है। और इसे सर्कुलर मेसन में अप्लाई करना है एज ए क्रीज ट्रांजिशन से क्रीज लाइन पे। तो दिस साइड में अप्लाई करूंगी ये डार्क शेड और मैं एक्सेस प्रोडक्ट टैप नहीं करूंगी तो क्या होगा। So the different guys.
तो आप देख सकते हैं ये कितना पैची दिख रहा है, बेस कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द आईज। ये ब्लेंड भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमर भी नहीं अप्लाई किया था। तो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए एक प्लफी ब्रश यूज करते हैं, एंड अगेन मैं इस पे ब्लैक कलर ले रही हूँ। ये ब्लेंड नहीं हो रहा है जबकि मेरी आईज पे और पैची दिख रहा है। सेकंड मैं इस साइड पे ये पेंसिल ब्रश यूज कर रही हूँ क्रीज एरिया को डिफाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज नहीं करूंगी अपनी क्रीज एरिया को डिफाइन करने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड यूज कर रही हूँ। देन मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से दोनों आई शेडो को ब्लेंड कर लूंगी। बहुत सारे लोग एक और मिस्टेक करते हैं, वो क्या है कि अपनी क्रीज एरिया पे सिमर शेड अप्लाई करते हैं। सो मैं ये प्लफी ब्रश से सिमर शेड अपनी क्रीज एरिया पे अप्लाई करूंगी। देन मैं आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे एक ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, फ्लफी ब्रश यूज ना करें आउटर कॉर्नर को डिफाइन करने के लिए। यू कैन सी द फ्रंट, आप जैसे कि देख सकते हैं ये ब्लेंड नहीं हो रहा है जबकि मेरे और इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई हो रहा है। आउटर कॉर्नर पे हमें अप्लाई करने के लिए ऐसे ब्रश, स्मॉल ब्रश लेने हैं। आप दोनों आईज में डिफरेंट देख पा रहे होंगे। और देन मैं अगेन यहाँ पे इसको ब्लेंड करने के लिए एक क्लीन ब्रश यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश की हेल्प से आई शेडो अप्लाई करूंगी। देन मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। तो हमें ऐसा ब्रश लेके नहीं यूज करना है और ना ही कभी ऐसे यहां तक लेके आए इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए हमेशा स्मॉल ब्रश लेना है। तो मैं यहाँ पे
आईलेस वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। तो हमें ऐसा एक फ्लफी ब्रश नहीं यूज करना है, और एक ही बार में आप डार्क ब्लैक कलर ना लें जो ब्लेंड नहीं होगा। इस तरह का स्मॉल ब्रश लेना है। पहले मैं एक बहुत लाइट ब्राउन लूंगी। हमें डायरेक्ट कभी भी लोअर लैश लाइन पे ब्लैक आई शेडो नहीं अप्लाई करना है। इससे पहले हमें कोई लाइट शेड अप्लाई करना है, उसके बाद आप ब्लैक अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये ब्लेंड नहीं होगा और कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जब भी आप शिमर आई शेडो अप्लाई करते हैं तो लिक्विड आई लाइनर, इस साइड में ये काजल पेंसिल यूज कर रही हूँ। And see the difference, guys. So do's and don'ts को आप repeat करके देखिए, जिससे आप ये mistake ना करें और आप अच्छे से makeup कर सकें। तो इसी तरह की video को देखने के लिए please like कीजिए, subscribe कीजिए this channel। मिलती हूँ मैं आपको next video में। Bye bye.